हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू शुद्ध देसी कॉमर्स वेयर वी विल प्रोवाइड ऑनलाइन कोचिंग्स ऑफ अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर क्लास प्लस वन प्लस टू बी कॉम एंड एम बी ए सो गाइज आज हम पढ़ के चलेंगे मैथड्स ऑफ डेप्रीसी इससे पहले वाली वीडियो में गाइज हमने डेप्रिसिएशन क्या होता है विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मैंने आपको पूरा अच्छी तरह कॉन्सेपच्चुअल क्लैरिटी के साथ समझा चुका हूँ सो आई विल रिक्वेस्ट यू एक बार ना वो वीडियो जरूर देखेगा उसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन पे भी दे दूँगा और एक आपको आई बटन पे भी शो हो रहा होगा सो so गाइज आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं वट आर द मैथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन देखिए बच्चों मैंने आपके सामने ना इस समय ये एट मैथड्स हैं ठीक है इसको एक एक वन बाय वन पढ़ते हैं अभी ठीक है फर्स्ट है स्ट्रेट लाइन रिटर्न डाउन एन्यूटी डेप्रिसिएशन फंड इंश्योरेंस पॉलिसी रीवैल्युएशन मैथड डिप्लीशन मैथड और मशीन आर रेट मैथड सो टॉकिंग फॉर प्लस वन प्लस टू बी कॉम एम बी एस मैं अभी ना ये आपको सारे मेथड्स नहीं करवा के चल रहा हूँ अभी मैं जो थ्री बेसिक मेथड्स होते हैं ना जो मतलब बच्चे की टिप्स पे होने चाहिए जो आने ही आने चाहिए मैं आज हम वो मेथड्स डिस्कस करके चलेंगे इस डेप्रिसिएशन वाले टॉपिक में आई एम नॉट सेइंग कि मैं बाकी के मेथड्स नहीं करवाऊँगा बच्चों मैं बिल्कुल करवाऊंगा बाकी के मेथड्स भी विद प्रैक्टिकल एग्जाम्पल पूरी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ बट अभी के लिए सिर्फ मैं ओवरव्यू लेके चल रहा हूँ जब हमारी नई सीरीज शुरू होगी ना फॉर क्लास प्लस वन प्लस टू बी कॉम एंड एम के लिए उसमें ये मैथड्स भी कवर होंगे ठीक है तो आइए अब हम पढ़ के चलते हैं ये वाले सारे मेथड्स तो जैसे कि आप जानते हैं हमारे चैनल का जो रूल है कि हम सीधा मेथड्स और कैलकुलेशंस पे नहीं जाते ठीक है सीधा फॉर्मूलाज पे नहीं जाते हम पहले लेते हैं एग्जांपल्स और उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं किसका कौन सा मेथड है और उसको कॉन्सेप्चुअली फिर समझते हैं ये मेथड स्टार्ट करने से पहले ना मैं चाहता हूँ थोड़ी बहुत टर्म्स हैं जो आपको क्लियर हो जाए ठीक है अभी इस पर मत बिल्कुल देखो जो मैं समझा रहा हूँ सिर्फ उसी पर ही फोकस करो फर्स्ट टर्म आती है बच्चों कॉस्ट ऑफ एन एसेट ठीक है अब मोस्ट ऑफ द बच्चे बोल रहे होंगे सर कॉस्ट ऑफ एन एसेट सर ये तो नॉर्मल सी टर्म है एसेट जो होता है उसकी कॉस्ट सर उसको कॉस्ट ऑफ एन एसेट बोलते हैं अभी जो बिगनर्स होंगे वो कह रहे होंगे सर एसेट का मीनिंग क्या होता है बिगनर्स नो नीड टू टेक एनी टेंशन अभी वो भी हम कवर करेंगे सीरीज में एसेट का मतलब अभी आप समझ लो कोई भी आपने मशीन ली कोई भी इक्विपमेंट लिया ठीक है कोई भी जैसे मशीनरी ली मार्केट से उसको हम एसेट बोल के चलते हैं ठीक है तो बच्चों एक मेरे को बात बताइए कॉस्ट ऑफ एन एसेट का मतलब शुरुआत में आपको क्या लग रहा है क्या होता है सर हमें शुरुआत में लग रहा है जिस मेरे साथ से सा लिखेगा जिस अमाउंट पे एसेट परचेज किया है बिल्कुल सीधा सवाल इसमें कोई सीधे सवाल का सीधा जवाब सर कॉस्ट ऑफ एन एसेट का मतलब होता है जिस अमाउंट पे एसेट परचेज़ किया जो हम जैसे मान लो सर मैं कोई टीवी लेके आया हूं तो डीलर को मैंने पैसे दे दिए सर वो मेरे लिए कॉस्ट ऑफ़ एन एसेट है मेरे लिए टीवी की कॉस्ट वो है ठीक है अब एक एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों अभी तक आपने बिल्कुल ठीक बात कह रहे हो अब एक एग्जाम्पल देखिए जो मैं समझा रहा हूं बच्चों आप ए लेते हैं ए में मान लीजिए आपने एक स्प्लिट ए लिया बहुत ही अच्छा एल का आजकल मार्केट में चले हैं स्प्लिट ए सी लिया ठीक है, है कितने का फोर्टी थाउजेंड रुपीज़ का ठीक है अब बच्चों मुझे एक बात बताइए जब आप ये ए लेंगे ठीक है शॉप से आप ए लेंगे फोर्टी थाउजेंड रुपीज़ का वो ए सी है स्प्लिट ए है ठीक है आपने शॉप से लिया फोर्टी थाउजेंड रुपीज़ का क्या जब वो आपके घर आता है तो ऐसे रख के छोड़ देते हैं क्या नहीं सर वो इंस्टॉलेशन वाले साथ में वो दो तीन पर्सन भेजते हैं जो उसको इंस्टॉल करते हैं एसी को बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं इंस्टॉल करते हैं ऐसे पड़े बड़े थोड़ा ना एसी एसी का यूज़ भी तो होना चाहिए ना जब प्रॉपरली इंस्टॉल करेंगे आपने देखा होगा पूरा दीवार पे वॉल पे लगता है उसका एक और फ़ैन होता है वो ऊपर लगता है पूरा इंस्टॉलेशन करके देते हैं वो आपको ठीक है तो बच्चों एज एन एग्जाम्पल वैसे मोस्ट ऑफ द केसेस में ये होता है बट कई केसेस में नहीं भी होता बट एज एन एग्जाम्पल हम ले रहे हैं कि मोस्ट ऑफ़ द केसेस में होता है जब वो जो पर्सन इंस्टॉल कर रहा है बच्चों वो भी तो अपने चार्जेस लेता है हाँ सर हमसे बिल्कुल वो फोर्टी थाउजेंड का स्प्लिट एसी लिया था तो जब उन्होंने इंस्टॉल करा ना दीवार पे, सर उन्होंने बोला कि दो हज़ार तो मैडम हमारी लेबर के चार्जेस हो गए जिसको हम बोलते हैं इंस्टॉलेशन चार्जेस ठीक है अभी तक बिल्कुल क्लियर हो रहा है सर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही ठीक है अब आप मुझे बात बताइए आपने ये ए सी लिया है आप मान लीजिए हैं ए और एन आपका नेबर है ठीक है आप ए एन को क्या लेगा जिसने ए सी लिया है ए एन को कहेगा कि सर मैंने ए सी लिया है बहुत ही अच्छा बहुत ही प्यारा ए सी है बहुत ही कूलिंग देता है वो पूछेगा कि आपने कितने का ए सी लिया है तो बच्चों मेरे को सीधा सीधा प्रूडेंट होके जवाब देना आप ये कहेंगे ना कि चालीस हजार का तो ए है प्लस दो हज़ार का मैंने इंस्टॉलेशन दिया है ठीक है चालीस हज़ार का तो ए है और दो हज़ार का मैंने इंस्टॉलेशन दिया टोटल मुझे ए पड़ा फोर्टी टू थाउजेंड का जल्दी से बताइए बच्चों आप ये बोलोगे कि नहीं बोलोगे कि टोटल कुल मिला के हम कहते हैं ना इन टोटैलिटी मुझे ए पड़ा है फोर्टी टू का अभी मोस्ट ऑफ द बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर जो बिगनर्स नहीं जिन्होंने थोड़ा बहुत अकाउंट्स पढ़ा हुआ है कि सर फोर्टी थाउजेंड का ए सी है और सर इसमें टू थाउजेंड की इंस्टॉलेशन चार्जेस हैं जो कि एक तरह से आप ए सी की कॉस्ट में ही ऐड कर रहे हो अभी मोस्ट ऑफ द बच्चे जिन्होंने बेसिक अकाउंटिंग आती है ना जिनको वो बोल रहे होंगे कि सर ये तो सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है कैपिटल एक्सपेंडिचर का बच्चों एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा मेरी ये जो वीडियो है ना बिगनस भी देखते हैं तो बिगनस ये चीज अभी आप मत देखिए क्योंकि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर पूरा चैप्टर है जो आपको सीरीज पे कवर होके चलेगा बिगनस के लिए मैं सिर्फ यही कहूंगा अभी के लिए ये समझिए कि जो भी जो भी खर्चा जो भी खर्चा एसेट को पुट टू यूज करने में लगेगा वहां तक का खर्चा एसेट की कॉस्ट में ऐड होता है नहीं समझ में आया मैं आपको समझा के चलता हूं देखिए बच्चों आपने एक ए लिया ठीक है उस ए को परचेज किया उसकी आपने पैसे दिए फोर्टी थाउजेंड रुपीज डीलर को आपने कैश दे दिया लो जी फोर्टी थाउजेंड रुपीज पकड़ो मेरी पेमेंट होगी बच्चों उस एसी को लाने में ट्रांसपोर्ट लगा होगा आप किसी व्हीकल में रख के लेके आए होंगे ऑटो रिक्शा करेंगे या फिर कोई भी ट्रांजिशन करेंगे ठीक है ना उसके एक जगह से दूसरी जगह अपने घर लाने के लिए ट्रांसपोर्ट का यूज़ करेंगे और उसे पैसे देंगे वो खर्चा हुआ प्लस बच्चों एसी को ऐसे तो नहीं रखोगे उसको इंस्टॉलेशन तो करोगे ना यस सर बिल्कुल करेंगे प्लस उसकी इंस्टॉलेशन ये सारे खर्चे मान लीजिए ये फाइव थाउजेंड का हो गया और मान लीजिए ये इंस्टॉलेशन टू थाउजेंड का हो गया ठीक है तो ये टोटल हो गया फोर्टी सेवन थाउजेंड बच्चों सारे खर्चे कॉस्ट में एड होके चलते हैं एसेट की समझ आई मेरी बात बिल्कुल मैं आपको एक पॉइंट लिखवा देता हूं कॉस्ट ऑफ एन एसेट मेरे साथ साथ लिखेगा कॉस्ट ऑफ एसेट इज इक्वल टू कितने का परचेज किया ठीक है कितने का परचेज किया प्लस कितना उसको घर लाने तक के पैसे लगे जिसको मैं ट्रांसपोर्टेशन बोल सकता हूँ कोई इसमें मुश्किल बात नज़र नहीं आ रही, आ रही आपको यस सर कोई मुश्किल बात नहीं है प्लस अब ला के रखेंगे तो है नहीं बड़ी बड़ी मशीनरीज होती हैं या फिर ए सी का एग्जाम्पल जो मैंने पीछे दिया इसको इंस्टॉल भी करेंगे प्लस इंस्टॉलेशन चार्जेस ये सारे खर्चे को बच्चों हम कॉस्ट ऑफ एन एसेट में इंक्लूड करके चलेंगे या फिर इसका मैं एक और नोट लिखवाता हूं ताकि आपको और आसानी से समझ में आ जाए मेरे साथ से सा लिखेगा एसेट को पुट टू यूज बच्चों इस पे जरा नोटिस करना पुट टू यूज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट एसेट को पुट टू यूज करने से पहले पहले होने वाले सारे खर्चे एसेट की कॉस्ट में एड होते हैं ऑल द एक्सपेंसिस बिफोर पुटिंग एन एसेट इन टू यूज ऑल एक्सपेंसिस इंक्लूडेड वेदर इट इज एन एक्सपेंस कि हमने परचेज करने के पैसे दिए वेदर इट इज अ ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस वेदर इज एन इट इज एन इंस्टॉलेशन चार्जेज एक्सपेंस ऑल विल बी इंक्लूडेड इन कॉस्ट ऑफ एन एसेट मेरे को पूरा बिलीव है बच्चों आपको कॉस्ट ऑफ एन एसेट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया जो हम पहले सोचते थे कि सिर्फ एक जब हम मटेरियल ले रहे हैं एक मशीनरी ले रहे हैं उसका पैसा दिया तो हमारा कॉस्ट ऑफ एन एसेट हो गया ऐसा नहीं होता बच्चों बहुत तीन दो चीज चीजें इसके अंदर इंक्लूड होती है एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं ताकि आपको ये पूरी अंडरस्टैंडिंग बन जाए अच्छी तरह से आपको क्लियर हो जाए कि क्या होके चलता है बच्चों एक मेरे को क्वेश्चन में क्वेश्चन दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ मशीनरी वन लाख रुपीस, फ्रेट चार्जेस बहुत से बच्चे कह रहे होंगे सर ये फ्रेट चार्जेस सर ये तो नया वर्ड है बच्चों फ्रेट चार्जेस का मतलब होता है ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस एक जगह से घर तो लेके आए होंगे ना आप अपना एयर कंडीशनर तो वो जो ट्रांसपोर्टेशन में जो चार्जेस होते हैं ऑटो रिक्शा के किसी के भी उसको हम बोलते हैं फ्रेट चार्जेस ठीक है प्लस इंस्टॉलेशन के चार्जेस भी आपको क्वेश्चन में गिवन है बच्चों कितने के सर हमें गिवन है टू लगा लो कुछ भी लगा लो ठीक है और लिखा हुआ क्वेश्चन बोलता है कि कैलकुलेट कैलकुलेट करो क्या कॉस्ट ऑफ मशीनरी बच्चों इसको मैं सी एम लिख रहा हूं ठीक है ना कॉस्ट ऑफ मशीनरी मतलब कि टोटल कॉस्ट ऑफ मशीनरी कैलकुलेट करो कॉस्ट ऑफ मशीनरी तो हमने दी हुई है ना तो बच्चों इसमें आप क्या बोलोगे इसमें ऐसे भी लिखा होगा कॉस्ट ऑफ एन एसेट कैलकुलेट करो तो मैंने आपको फॉर्मूला पहले ही बता दिया कि व्हाट इज एन कॉस्ट ऑफ एन एसेट कितने का परचेज किया सर वन लाख रुपीस का परचेज किया ठीक है कितने का ट्रांसपोर्टेशन हुआ सर फ्रेड चार्जेस मतलब आपने बताया हमें ट्रांसपोर्टेशन सर पाँच हजार रुपये का हुआ ठीक है इंस्टॉलेशन करने में कितने पैसे लगे सर इंस्टॉलेशन चार्जेस भी हमें दिया हुआ है तो बच्चों आपका सीधा सीधा आंसर आएगा वन लाख सेवन थाउजेंड इज़ योर कॉस्ट ऑफ एन एसेट मुझे पूरा बिलीव है बच्चों कॉस्ट ऑफ एन एसेट का कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो गया सो so, हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट बच्चों बिल्कुल खत्म हो चुका है कॉस्ट ऑफ एन एसेट अब हम पढ़ के चलते हैं हमारा सेकेंड कॉन्सेप्ट ये सिर्फ अभी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए बता रहा हूं ताकि आगे फॉर्मुलस में प्रॉब्लम ना आए ठीक है सेकेंड कॉन्सेप्ट हमारा है यूजफुल लाइफ ऑफ़ एन एसिड सर ये क्या कॉन्सेप्ट है ये तो हमें पता ही है जितनी एसेट की लाइफ है मतलब कि आपने जैसे पिछले एग्जाम्पल्स में समझा के चले थे कि सर एक मशीनरी की लाइफ है फाइव ईयर्स फाइव ईयर्स के बाद वो ख़त्म हो जाएगी बिल्कुल बच्चों उसको हम बोलते हैं यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेड ठीक है फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने पिछले एग्जाम्पल में लिया था पिछली वीडियो में जब आप देखेंगे एक लाख रुपये मशीनरी की वैल्यू थी एसेट की वैल्यू थी उसकी फाइव ईयर्स की लाइफ थी तो हम क्या करते थे बच्चों अब डेप्रिसिएशन तो हमें निकालना है ताकि थोड़ा 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 कुछ ना कुछ पैसा जोड़ते रहना है ताकि एट द एंड ऑफ फाइव ईयर हमारे पास पैसे इकट्ठे हो जाए तो हम क्या करते थे डिवाइडेड बाय फाइव कर देते थे और बीस हजार रुपया हर साल हम एज अ खर्चा नोट करते थे और पी एन एल अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकालते रहते थे अपने प्रॉफिट से निकालते रहते थे ठीक है बच्चों ये यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट का आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया थर्ड कॉन्सेप्ट अब हम पढ़ के चलते हैं बच्चों स्क्रैप वैल्यू ठीक है बच्चों मुझे एक बात बताइए आप नोटबुक तो इस्तेमाल करते हैं यस सर ये कैसी बात हुई नोटबुक तो हम इस्तेमाल करते ही हैं बच्चों आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बुक क्योंकि बुक को आप स्क्रैप में नहीं बेचते अभी स्क्रैप वर्ड छोड़ दो मतलब नोटबुक की बात कर रहा हूँ ठीक है ये एक नोटबुक है बच्चों जब ये एक नोटबुक जो है ये जब नोटबुक आपकी भर जाती है तो आप क्या करते हैं सर हमारी स्ट्रीट में हमारी कॉलोनी में ना एक स्क्रैप वाले भैया आते हैं हम उनको दे देते हैं और वो पर केजी के के हिसाब से ना सर हमें पेपर का जो जितना भी उस नोटबुक का पैसा बनता है वो दे देते हैं बच्चों सीधी सीधी लैंग्वेज में बात करूँ तो वो जो स्क्रैप वाले भैया है ना जो आपको पेमेंट करते हैं जब आप ये जो किताबें जो बिल्कुल खत्म हो रखी है उनको देते हैं बच्चों उसको हम बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू ओके ठीक है बच्चों इसमें एक पॉइंट जरूर लिखना कि स्क्रैप वैल्यू मींस एसवी लिख रहा हूं बच्चों स्क्रैप वैल्यू मींस सेल वैल्यू ठीक है सेल वैल्यू ऑफ दी एसेट सेल वैल्यू ऑफ दी एसेट एट द एंड ऑफ इट्स यूज़फुल लाइफ सर बिल्कुल आपने यही समझाया स्क्रैप वैल्यू का मतलब होता है जब मेरी इसकी नोटबुक की लाइफ मेरे एसेट की लाइफ ख़त्म होगी उसको जब मैं बेच देता हूँ और जो स्क्रैप वाले भैया हैं वो मुझे जितना पैसे देते हैं उसको मैं बोलता हूँ स्क्रैप वैल्यू स्क्रैप की जो अमाउंट मुझे आई है ठीक है बच्चों अब एक एग्जाम्पल लेते हैं इसी में ही ना इसी में ही आपका इसमें आप मेरे को बता के चलेंगे इसी में आप मुझे बता के चलेंगे कि सर इसमें से आपने अभी अभी जस्ट कौन सा मेथड समझा दिया ठीक है एक एग्जाम्पल है बस ये कॉन्सेप्ट खत्म होने वाला है बच्चों एग्ज़ाम्पल लेते हैं मान लीजिए पीछे वाला ही लेते हैं तभी मैं आपको बार बार बोल रहा था बच्चों ज़रूर वीडियो देख के ही ये वाली वीडियो देखना जो पिछली वीडियो थी ठीक है वन लाख रुपीज़ की मशीनरी है ये मैंने पीछे समझाया हुआ सारा वन लाख रुपीज़ की मशीनरी है और बच्चों उसकी फाइव इयर्स की उसकी फाइव ईयर्स की यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट है ठीक है सर ये कॉन्सेप्ट समझे हुए हम बच्चों अब वो बोलता है कि एक दो तीन चार पांच समझिएगा बात को ये फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर फिफ्थ ईयर बच्चों अब वो बोल के चलता है कि एक लाख रुपए की मेरी मशीनरी है और उसकी पांच साल की लाइफ है हाँ सर तो कर दो ना क्या दिक्कत है मतलब कि पांच साल के बाद आपको एक नई मशीनरी लेनी है तो एक लाख अपॉन में पाँच हज़ार सर ये तो आप हमें समझा चुके हैं कि बीस हजार हर साल एज अ खर्चा प्रॉफिट से निकालते रहो और पांचवें साल में सर उसके पास ट्वेंटी थाउजेंड इं टू फाइव एक लाख रुपए अरेंज हो जाएंगे और वो नई मशीन लेगा बच्चों इसमें ना एक ट्विस्ट आ गया वो कहता है स्क्रैप वैल्यू जब आप पाँच साल के एंड में जब आपका एसेट बिल्कुल खत्म हो जाएगा जब आप उसको स्क्रैप वाले भैया को बेचेंगे ना तो वो जो भैया है वो आपको उस चीज़ का फाइव थाउजेंड रुपीज़ दे देंगे उस मशीनरी का ओ माय गॉड सर ये नया कॉन्सेप्ट हाँ बच्चों जब आप पांचवें साल में उस मशीनरी को बेच देंगे ना जब बिल्कुल ख़राब हो चुकी होगी स्क्रैप वाले भैया को तो वो फाइव थाउजेंड रुपीज़ दे देंगे सर इसका मतलब अब मुझे कितनी ज़रूरत है पैसे अरेंज करने की हर साल मैं थोड़ा 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 पैसा निकालता रहूं सर मुझे तो ज़रूरत है एक लाख सर इसमें से मैं माइनस कर दूंगा फाइव थाउजेंड क्योंकि फाइव थाउजेंड तो सर मेरे पास आ जाएंगे पाँच साल के बाद बचा कितना नाइन्टी फाइव थाउजेंड बिल्कुल सही बच्चों अब इस नाइन्टी फाइव थाउजेंड को हम पाँच साल में डिवाइड करेंगे कितना बना उन्नीस हजार दैट मीन्स फर्स्ट ईयर में मैं नाइनटीन थाउजेंड निकाल लूंगा एज अ खर्चा पॉइंट टू बी नोटेड एज अ खर्चा आउट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सेकेंड ईयर में मैं निकाल लूंगा थर्ड ईयर में मैं निकाल लूंगा फोर्थ ईयर में निकालूंगा और फिफ्थ ईयर में भी मैं उन्नीस हज़ार अ खर्चा निकालूंगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्लस जब इसको मैं बेचूंगा जब बिल्कुल ख़राब हो चुकी होगी मुझे पाँच हजार रुपये और मिल जाएगा सर इसका एक बार टोटल करके दिखाओगे जी बच्चों इसका टोटल आपके पास बनेगा वन लाख रुपीज़ ओ माई गॉड सर मेरे पास पूरे पूरे पैसे अरेंज हो गए हैं नई मशीनरी के बच्चों एक मज़े की बात बताऊं आप कहेंगे सर बताइए सर यही ही बच्चों यही आपका ना फर्स्ट मेथड है स्ट्रेट लाइन मेथड ठीक है चलो आइए लिखते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड के बारे में आपको एग्जाम्पल बिल्कुल आसान भाषा में क्लियर हो चुका है बस बच्चों लास्ट कॉन्सेप्ट रह गया स्ट्रेट लाइन मेथड का हल्का सा आपको लिखवा दूं ताकि एग्जाम में आप प्रॉपरली लिख सको इसके बारे में स्ट्रेट लाइन मेथड कॉन्सेप्चुअल बिल्कुल क्लियर हो गया आई बिलीव ठीक है सो स्ट्रेट लाइन मेथड को बच्चों आप देख सकते हैं हर साल इक्वल इंस्टॉलमेंट्स जा रही है इक्वल तरीके से घट रही है इसकी वैल्यू एसेट की तो बच्चों इसको हम बोलते हैं इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड प्लस इसको बच्चों एक तरह से फिक्स्ड अमाउंट से घटाई जा रही है ना मैसेट को मैंने आपको पहले ही बताया था डेप्रिसिएशन तो हमें पता है बट मेथड डिसाइड करेंगे कितना कितना घटा के चलना है इसमें फिक्स्ड अमाउंट में घटाई जा रही है इसको बच्चों हम फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोलते हैं सर इसमें डेप्रिसिएशन निकालना तो आपने सिखा दिया फिर भी आप हमें एक बार फॉर्मूला समझा दीजिए जी बिल्कुल इसमें हम डेप्रिसिएशन कैसे निकालते थे एक लाख रुपया मुझे मेरी मशीन की वैल्यू थी जो कि पाँच साल के बाद ख़त्म होने वाली है एक लाख में से पाँच हजार तो मेरे को स्क्रैप वैल्यू मिल जाएगी दैट मीन्स वो मेरे को अरेंज कर लूँगा मेरे पास आ जाएगा पैसा बचे कितने पचानवे हज़ार इसमें से मुझे पाँच सालों तक थोड़ा थोड़ा पैसा निकालना है तो बच्चों आपकी डेप्रिसिएशन की वैल्यू होगी उन्नीस हज़ार दैट मीन्स स्ट्रेट लाइन मेथड में अगर आपको डेप्रीसीन का फॉर्मूला निकालना है तो होगा कॉस्ट ऑफ एन एसेट माइनस कर देंगे उसमें से स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एन एसिड तो बच्चों मुझे पूरा बिलीव है कि आपको स्ट्रेट लाइन मेथड बिल्कुल समझ में आ गया अब नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड मेथड लेके चलेंगे जिसे हम बोलते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड ठीक है एंड गाइज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँच सके थैंक यू